श्रीनगर हाईवे पे ही। ये आप देख सकते हैं, ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कम्युनिटी एक बिल्डअप हो रही है 18 के नाम से। तो ये इसका डिस्टेंस मेन ब्लू एरिया से अराउंड भी 30 मिनट्स की ड्राइव है जहाँ पे अभी हम हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 मरला जो घर है वो कम अज कम आपको यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर मिलता है। तो ये सोसाइटीज जितनी भी हैं आप देखें, ये श्रीनगर हाईवे से ऑनवर्ड एयरपोर्ट वाली साइड पे बन रही है। तो ये इन्होंने जो है अपने अपार्टमेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और अभी मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, यहाँ पे जिस जगह पे अभी हम हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में एक इंटरचेंज बनने जा रहा है जिसका अप्रूवल जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। और ये मेन श्रीनगर हाईवे पे एक इंटरचेंज बनाएंगे जो इसको जिसकी एक्सेस 18 को भी होगी और सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है उसको भी उस चीज की एक्सेस होगी। तो ये जितना भी आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हम जब चीजें देखते हैं ना, तो ये गोल्डन पैच है ये एयरपोर्ट वाला जितना भी। और ये जनाब हम लोग श्रीनगर हाईवे से अभी ऑनवर्ड्स आगे M2 मोटरवे पे जो है वो चढ़ने लगे हैं। और यहाँ से आगे फिर ठलिया की तरफ और देन आगे चक्री इंटरचेंज की तरफ जो है हम एक्सेस करेंगे। तो ये मेन श्रीनगर हाईवे से ऑनवर्ड्स हम अभी आगे टोल प्लाजा आएगा M2 मोटरवे का। खूबसूरत मौसम है उसमें, ये मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ग्रीनरी, तो इसलिए मैं बीच में एड ऑन करता जा रहा हूँ बार बार। ये आप देख सकते हैं कि ट्रीज वगैरह यहाँ पे लगे हैं और हम अभी राइट नाउ M2 मोटरवे पे ऊपर हैं। और इसी मोटरवे से आगे ऑनवर्ड्स हमारे बहुत सारे जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हम सेल्स पार्टनर हैं और हम अपने व्यूवर्स के लिए लेके वो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहीं पे हैं। सबसे जो मेन यहाँ पर प्रोजेक्ट है M2 मोटरवे पे जिसको इंटरचेंज भी आने वाले टाइम में मिलेगा वो भी हमारी वीडियोस के अंदर है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ से मेरा ख्याल है हमें तकरीबन M2 मोटरवे पे 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे हम आगे चक्री इंटरचेंज तक पहुँचने में। सो लेट्स सी, आप लोग साथ रहें और इंशाल्लाह ताला हम आपको लेके चलते हैं जिन्ना वैली की साइड के ऊपर। और ये जनाब अब M2 मोटरवे से अभी ये आप बोर्ड देख सकते हैं कि चक्री का बोर्ड आ चुका है। तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया था कि M2 मोटरवे का जो टोल प्लाजा है वहाँ से 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे जो है चक्री इंटरचेंज है। तो हमने कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो स्पीड भी नहीं रखी, हम 90 to 100 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने ऑलमोस्ट जो है ना 20 मिनट्स के अंदर हमने ये डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी आगे ऑनवर्ड चक्री इंटरचेंज आ जाएगा। ये चक्री इंटरचेंज जो है आपने देखा होगा कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है उसकी जो एक्सेस है वो ठलिया इंटरचेंज, जो ठलिया का इंटरचेंज बनेगा वो इससे पहले बनेगा। तो उससे पहले जो ठलिया इंटरचेंज है वहाँ पे रिंग रोड की एक्सेस आ जाएगी, वहाँ से भी लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे। और देन ऑनवर्ड्स जो है अभी ये चक्री की तरफ हम जा रहे हैं किंगडम वैली की तरफ। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। ओवरऑल जो डिस्टेंस बनता है ये तकरीबन कोई 23 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये जनाब हम अभी चक्री वाली साइड पे एंटर होने जा रहे हैं। ये हम एग्जिट कर रहे हैं चक्री इंटरचेंज टुवर्ड्स किंगडम वैली। इसी रोड को एक्सेस करते हुए हम बहुत सारी सोसाइटीज की तरफ जाते हैं, जितनी भी हमारी चक्री रोड पे सोसाइटीज हैं ये ऑलमोस्ट कोई 13 to 14 सोसाइटीज हैं जो
ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट हैं और ये सारी की सारी इसी रोड के ऊपर जो है वो वाक्य हैं। हम अभी चक्री बाजार से गुजर रहे हैं। चक्री बाजार यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे जो लोकल रेजिडेंट्स है वो इस बाजार को यूज करते हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, और यहीं से आगे हम आगे ये कुर्तबा सिटी की भी एक सोसाइटी है वो भी इसी जगह पे आती है। और हम आगे जा रहे हैं, राइट साइड पे हमें मिलेगा किंगडम वैली का रोड। हम चक्री बाजार से राइट होने के बाद आगे मेन रोड से इनके लेफ्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ से किंगडम वैली जो है वो बिल्कुल करीब है और तकरीबन यही रोड जो है वो लीड करता है टुवर्ड्स किंगडम वैली, और आप 2 से 3 मिनट दूर रह गए हम किंगडम वैली की साइड में पहुंचने से। नाव आप देख सकते हैं कि किंगडम वैली के जो बोर्ड्स हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं यहाँ से। और हम लोग फाइनली ट्रैवल करते हुए ट्रैवल विद काजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ रॉयल मलिक जो हैं उनके एज अ होस्ट लेते हुए हम लोग किंगडम वैली में जो है वो एंटर हो चुके हैं। और ये हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे यकीन रखते हुए, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग भी जो भी रूमर्स थे ऐसे जो कहते थे कि किंगडम वैली के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, हवा के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो ये आप लोग साइट के ऊपर देख सकते हैं कि किंगडम वैली ने मेन बुलेवार्ड जो है उसका काम हो चुका है, तो अभी हम एंटर हो गए। बड़े खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो लगा दिए हुए हैं, और इट इज जस्ट लाइक ये दुबई के स्टाइल पे जो है इन्होंने एक थीम जो है उसको लेके ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जनाब लेफ्ट साइड पे इन्होंने एक सेटिंग एरिया बनाया हुआ है कि आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आके, और अभी ऑनवर्ड्स आपको डेवलपमेंट हम दिखाएंगे किंगडम वैली की। राइट साइड पे आप देखें कि ये किंगडम वैली ने मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है, तो जितने भी लोग फैमिलीज के साथ यहाँ पे आते हैं तो इस पार्क की फैसिलिटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने सफर का आगाज किया था 1:13 पे, और उस वक्त हम लोग 0 पॉइंट पे खड़े थे, और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। आई कैन चैलेंज एनीवन, कोई भी शख्स अगर इस रिव्यू को चैलेंज करना चाहता है तो वो मेरे साथ आए, मैं उनको विजिट करवाता हूँ, मैं कस्टमर को लेकर जाता हूँ, उन्हें विजिट करवाता हूँ। मेरा ये ओपन चैलेंज है कि ये एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया जा रहा है। 1:13 पे हम लोग 0 पॉइंट पे खड़े थे, उसके बाद हमने तकरीबन रास्ते में 10-10 मिनट के हमने कोई 2 से 3 पॉजेस भी लिए, और वो वहाँ पे हमने वीडियो शूट्स भी किए हैं, आपको एरियाज भी दिखाए हैं, फिर बीच में ट्रैफिक एरिया भी थी, और हमने एक एवरेज स्पीड जो गाड़ी की है वो 90-100 तक रखी है M2 मोटरवे पे। और राइट नाउ हम 2:31 पे, मैं इस टाइम किंगडम के अंदर एंटर हो चुका हूं, और इससे पहले अभी से 10 मिनट पहले हम साइट पे पहुंच चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2:20 पे हम साइट पे मौजूद थे, 10 मिनट हमने अंदर ट्रैवल किया है अभी, तो 1:13 से लेकर अगर 2:20 तक आप जाते हैं तो आपको 1:05 के अंदर अगर आप नॉर्मल ट्रैवल करते हैं तो आप किंगडम की साइट के पहुँच जाते हैं। बीच में आप ट्रैफिक को भी मद्देनज़र रखें, आप पॉजेस को भी मद्देनजर रखें, और अभी हम आगे ऑनवर्ड्स आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा बाहर निकल के कि किंगडम वैली के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, और किंगडम वैली के अंदर जो विलास हैं
उनकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है, इन सब चीजों के बारे में अभी मैं आपको बाहर निकल के थोड़ा सा गाइड करता हूँ। और ये मैं किंगडम वैली की साइड के ऊपर खड़ा हूँ। इस टाइम मेरे जो बैक साइड है, बिल्कुल बैक पे आप देख सकते हैं इस टाइम जो विलाज हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। और ये विलाज किंगडम वैली ने बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट के ऊपर अपने एंड यूज़र कस्टमर्स को सेल आउट किए थे। और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे कि जो है वो पब्लिक पार्क बना हुआ है। ये पार्क में पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी बंदा अगर फैमिली के साथ विजिट कर रहा है तो फैमिली के साथ विजिट करने के बाद अगर वो थक जाता है, उसके बच्चे खेलना चाहते हैं, तो अभी से किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक पब्लिक पार्क बनाया हुआ है मेरे बिल्कुल बैक साइड पे, क्योंकि विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसी के बैक साइड पे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो लैंड प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट को किंगडम वैली की तरफ से, तो वो एरियाज इन विलास के बिल्कुल बैक साइड पे है। और ये जितने भी ऐसे शक्को शुबात हैं कि जी किंगडम वैली के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, किंगडम वैली के अंदर जो है लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, किंगडम वैली के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना वो जो है रिस्कियर है, तो आप सबसे ये गुजारिश है कि काइंडली एक दफ़ा ज़रूर आप लोग साइट विज़िट करें। जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो साइट विज़िट करें, और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारी इस वीडियो को ज़रूर जो है वो एक दफ़ा थॉरली देखें। आपको इसकी डेवलपमेंट के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि 24/7 जो है गुलाम हुसैन शाहिद साहब वो इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। वो यहाँ पे रात के 12 बजे भी विजिट करते हैं और रात को बाज़ का 3 बजे भी जो है वो चेक करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक अचानक दौरा कर देते हैं देखने के लिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा किंगडम वैली की साइट पे खड़े होके कि यहाँ पर जो है जनरल ब्लॉक की बुकिंग, तमाम तर बुकिंग्स जो हैं वो अभी क्लोज हो चुकी हैं। किंगडम वैली ने 9,75,000 रुपये की बुकिंग लॉन्च की थी 5 मरला की, और हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हम पे इतमाद करते हुए उसके अंदर बुकिंग करवाई थी। तो उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि किंगडम वैली की जो 9,75 वाली बुकिंग है वो भी क्लोज़ हो चुकी है, और जो नया रेट आया था 12,45,000 रुपये का जनरल ब्लॉक का, वो रेट भी जो है वो क्लोज़ होने जा रहा है। और उसके बाद 15 मार्च के बाद नया रेट आएगा 15,45,000 रुपये का 5 मरले प्लॉट का। तो जिन लोगों ने भी 9,75 की बुकिंग हमसे करवाई थी वो ऑलरेडी सब के सब फायदे के अंदर हैं। हम इस डिमांड को देखते हुए हमने अपने व्यूवर्स के लिए, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमने एक जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्लॉक जो किंगडम वैली बनाने जा रहा है एग्जेक्टिव ब्लॉक, उसकी डील लेके आए हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो मिनिमम प्लॉट साइज़ 6 मरले का प्लॉट साइज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे वो थोड़े से आप समझ लें क्लास वाइज वो बेहतर होंगे बनिस्बत जनरल ब्लॉक के। तो जनरल ब्लॉक के अंदर भी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी वो फ़ायदे में है, और जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक क्योंकि एक नया ब्लॉक है उसके अंदर जो फैसिलिटीज़, जो अमेनिटीज़ जो दी जाएंगी वो जनरल ब्लॉक से बेहतर दी जाएंगी। यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पेमेंट प्लान वो मौजूद है, और अभी ये फर्स्ट प्राइजेज़ हैं इसकी एग्जेक्टिव ब्लॉक की। आने वाले टाइम में ये प्राइजेज़ भी चेंज हो जाएंगी, तो आप सब लोगों से, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जिस तरह आपने जनरल ब्लॉक में हम पे एतमाद करते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उसी तरह से आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर भी अपने जो है प्लॉट बुक करवाने के लिए हमसे रब्ता करें। आपको काजी इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी मैं न्यूज़ देना चाहूँगा कि काजी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको बुकिंग करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अगर आप बुकिंग करवाते हैं 6 मरला प्लॉट की, जिसकी डाउन पेमेंट है 1,34,000 रुपये, तो 1,34,000 रुपये जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाहेंगे तो आप अगर हमें 1,00,000 रुपया भेजेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो हम आपको ये अनाउंस करना चाहते हैं कि आपको 25,000 रुपीज़ उसके अंदर डिस्काउंट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट जो वहाँ पे काउंट होगी वो 1,25,000 रुपये होगी। आप पेमेंट प्लान को ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बट मैं आपको खुद क्योंकि विज़िट करने के लिए आया हूँ आप सबके साथ, तो मैं आपको नया पाकिस्तान की लैंड जो है वो दिखाना ज़रूर पसंद करूंगा। तो आइए चलते हैं नया पाकिस्तान की साइट वाली जो लैंड है उसको पहले हम देख लेते हैं, देन फिर आगे हम
फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। और ये हम अभी खड़े हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो लैंड है उसको, जो साइड दी गई है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए, वहां पे ये आप बिल्कुल मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये नया पाकिस्तान की साइट है। यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट वाइज देखें तो ये स्ट्रीट्स वगैरह ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का, इस ट्रैवल सीरीज का जो फर्स्ट मेरी ये वीडियो है उसका अहतमाम करूँगा इंशाल्लाह ताला। नई वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ अपने व्यूवर्स की खिदमत में दोबारा हाजिर रहूँगा। मज़ीद मालूमात के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपका रिक्वायर्ड हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।